हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी सुबह के कितने बजे दादी? 8:30 बजे से हो रही है। और आप देख रहे हो आज घर कुछ अलग सा है। तो आज मैं आपको मिलाती हूँ सबसे पहले अपनी दादी से। ये है मेरी दादी, आपने पहले 4 महीने वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो हम कल आ चुके हैं घर सामान लेकर के, क्योंकि शादी भी नज़दीक आ रही है। तो हम लेट में नहीं जाते ना, दुल्हन के ग्रह कमजोर होते हैं, साथ साथ घर वालों के होते हैं ना दादी। तो अभी आपको सबसे मिलाऊंगी मैं। और बहुत काम हो रहा है घर पे, पेंट वाले भैया भी वहाँ पे पेंट कर रहे हैं, आपको दिखाऊंगी। कहाँ गए हो वो देखो, मम्मी लोग सब वहाँ पे चूल्हे पे बैठे हुए हैं। अभी मिलाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? ऐसे बोल, हेलो बोल ना जोर से बोल। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? हम सब ठीक है। वो लोग, ये लोग कल आए। बोल, हाँ ये दियारी है, कल आए। बोल, अच्छा दियारी है, कल आया। ये बोल बुना नहीं तो क्या, सब गड़वा लिया मैंने उसमें। मम्मी लोग वहाँ पे हैं। मम्मी से हाय। पेंट वाले भैया वहाँ पे पेंट कर रहे हैं। और आज मौसम भी बहुत बढ़िया है। हाँ, सब जगह पेंट हो चुका है, आपको दिखाऊंगी फिर थोड़ी देर में, है ना दादी? थोड़ी देर में दिखाएंगे। हम यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, और ये ताऊजी लोगों का कमरा है। इतना साफ कर ले क्योंकि हम अंदर रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहमान आएंगे तो फिर हम यहाँ पे पेंट वेंट करके, यहाँ पे अच्छे से लिपाई करके, यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम मतलब कि जो दिया की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, शॉपिंग जो थी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका सामान फैला हुआ है। ये तो खैर मेरी शादी का पर्स है, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। देखिए ये इसके कलीरे, ज्वेलरी, ये दिया का पर्स है, फ्रॉक सूट, ना बहुत सारा सामान है। तो दिया के सूटकेस में रख रहे हैं। मोटा मोटा दिखा रहे ना, देख लहंगा उसके पीछे, हम मेरा और दिया का लहंगा उसके पीछे है, हम दिखा नहीं सकते हैं। ये दिया के सलवार में नारे डाला। अरे भाई यार, अपना ऐसा भाई किसको मिल रहा है? और ये दिया की पैकिंग वगैरह यहाँ पे चल रही है सूटकेस में, और इतना सामान जो है दिख नहीं रहा ना वैसे दिया तेरा सामान। और मैं भी अपना लहंगा नहीं दिखाना चाह रही हूँ, और दीवान सोहन के कपड़े भी नहीं दिखाऊंगी, इसके अंदर है पर नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, ठीक है, और बस यही चल रहा है, आज तो बस यही चल रहा है। और फिर देखते हैं फिर क्या क्या पैकिंग होती है। यहाँ पूरा घर साफ कर दिया, साफ। ऐसा लग रहा है यार, ठीक है यार, फ्री में कौन सा आ गया गेम को तो पानी में मत डाल। हाँ चलो फिर आज का यही काम है, बाकी मुझे दिखा दे। अभी नाश्ता हमने किया नहीं है, 9:05 हो रही है आज, 9:05 हो रही है वहाँ देहरादून में। 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, और यहाँ देखो सुबह उठ के आ, घर कितना अच्छा लग रहा है पता। अभी मैं कैमरे दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे ना अभी ये सामान भी, हाँ मम्मी अच्छा ठीक है आ गए, दूध देख सकते हो बाहर। हाँ तो मैं क्या करती, ये सामान ना अभी सेट करके रखना है, जो खराब सामान है वो उधर फेंकना है, और पेंट वगैरह तो यहाँ पे हो चुके हैं। इट्स मी, ये ना सीधा यहाँ पे टाके हैं, क्योंकि फिर शादी के टाइम पे ना ये ना खराब हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा बूफर है मंदिर, बाकी ये मम्मी लोगों का बेडरूम है, ये बाहर का कमरा, ये अंदर कमरा, ये ऊपर जाने का आपको तो पता ही है ना। और ये दो, एक कमरा वो है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। लॉकर बता दे, घर का लॉकर। घर का लॉकर है, चाबी रखी थी पापा के जेब में, एक मम्मी के पास, दीवार दीवार ना डाला। सर कोई बात नहीं, अपना भाई है के दीवार, शर्म लगी नहीं ना? किस बात की शर्म यार, यार मेरा इसका वो मुंह मत पड़ पड़ कर। इसका वो शादी हो रही, कैसा लग रहा है? अरे सुन तो ले, अरे सुन, कुछ लग रहा अभी संदीप देखेगा ना वीडियो, बाद में बोरिंग डाल, समय वो नहीं होगा ना, दिक्कत नहीं आएगी। वही तो देखा, जो दीवान का शादी करेगी, हमने तो सब काम सिखा रखे हैं, वो हमारे बाल बनाता है, कपड़े धोता है, रोटी, अभी तुम रात में रोटी बनाएगा ना, उसकी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? जब हम 4 महीने यहाँ थे तो आटा भी वही गूंथता था, रोटी भी वही बनाता था, लड़की को कल रात भी दीवान ने बनाई थी रोटी, और आज सुबह भी दीवान ने बेली थी। आप लोगों को आज रात की वीडियो, अभी आज रात का जो है इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दीवान से मैं सारे काम बताऊंगी, जो लड़की दीवान से शादी करेगी, दीवान से हर चीज परफेक्ट है, नारे डालने से लेकर भैंस पानी पिलाने से लेकर सफाई, ये सब सफाई दीवान ने कर रखी है। थोड़ा थोड़ा दरवाजे के पीछे कतरा छूटा है, पर कोई बात नहीं, आराम से हेलेंगे। और देखो ये सब काम कर रहा है,
लड़कियों की तरह सर मारा है और लड़के होते तो और करना और हाँ कौन सी सूट ये पीले वाले इसका वो इसका वो मिलेगा बात ही मिलेगा वो चलो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि हम नाश्ता वगैरह भी करना है ना मैं क्या बोला रही तू नहीं देखी मैं वो बनाऊंगा क्या ओट्स बना रही हूँ चल बनाओ तो नहीं बना रही तो वो चाय ठीक है जानी तू इधर कैसे आया एजन भूख लग गई चलो कोई बात नहीं तो यहाँ पे मैं ओट्स बना लेती हूँ है ना ठीक है बनाई लौकी कहाँ से आई लौकी दिया के ससुराल से ओ भाई अभी शादी भी नहीं हुई यार लेन देन शुरू तो दिया के ससुराल से ककोड़े आए हैं जिनको मीठे करेले आप लोग कह सकते हो और ककड़ी वगैरह आई है वो तो झाड़ता नहीं कहाँ पे रखी हुई है चौमिन बनाएंगे पहले सबसे मैंने ओट्स बनाती हूँ कहाँ है वो ओट्स ठीक है तो गाइस इतनी धूप में जा रहे हैं हम सिमली और करणप्रयाग ये बैग लेकर के इसमें कपड़े फिटिंग करने को है क्योंकि वहाँ हमें टाइम नहीं मिला फिटिंग करने का तो आप देख सकते हो इतनी तड़कती भड़कती अपनी मक्खन वाली रोड में मक्खन वाली रोड तो है उसमें हम जाए सिमली दीवान सो आ गए बाइक लेने जाया था गया था पर आया नहीं तो हम वहीं पर जा रहे हैं धूप में आँख भी नहीं खुल रही भाई ए भगवान मैं हाथ थकी हूँ ए बे इधर अभी दिखा दियो हाँ दीवान को क्या कर रहा है दीवान तू उसको बोलते हैं अचानक ढाबा आज बंद है अचानक से और हमारे पहाड़ में पानी की कमी बिल्कुल नहीं है गाइस अरे इसमें बैठने का क्यों तोड़ा उसको तूने अटक जाएगी रे कोई बात नहीं दिया जब पत्थर आएगा मैं कितने पी जाती आराम चलाना दीवान सो जहाँ पत्थर आएगा जहाँ वो कर वो उठाना मत यार कोई बात नहीं तो हम इसमें जा रहे हैं अपनी दुकदुकी में इसका नाम क्या है शैडो शैडोई अब तू चेंज कर दिया वो उसका नाम फटफट नहीं यार फटफटी फपड़ाट और तू करता है फपड़ाट फपड़ाट नहीं उसका नाम अब शैडो है उसका नाम शैडो रख दिया पहले सब फपड़ाट था मैं जब साइलेंसर चेंज करता हूं ओ भाई और यहां पे लिखा दीवान सरावत कहां लिखा था ये दिब्बू ये देखो ये लिखा है यहां पे दिब्बू रावत है वो बॉक्सर नहीं था वो टूट गया चलो कोई नहीं चलो हम इसमें जाएंगे हां क्या पकड़ूंगे बीच में हाँ मैं अपना पकड़ दिया मैं बैग दे दे एक हाथ बाहर निकाल लेना तू यहाँ पे सामान ले रहे थे और दीदिया की दोस्त आ गई है दूर से थोड़ा वहाँ पर बिछड़े दोनों की शादी हो रही है एक डेट पे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना मेरे को सीधी नहीं है देखो सबसे बड़े तो मैं बनाऊंगा आज नहीं तेरी नहीं जाएगी ना मैं साथ उसके मेरे हाथ में देने उसको मेरे हाथ में दे इसको एक चीज लेकर के आई हूँ मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैं लेकर के आई हूँ ट्राइपॉड लेकर के आई हूँ आप देख सकते हो पॉपट हो गया तेरा दिख नहीं रहा है उल्टा उल्टा दिख रहा सारा तो मैं ये ट्राइपॉड लेके आई हूँ अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ अच्छा है फाइनली मतलब मैंने परचेस कर ही लिया
देख सकते हो आप, बाला का था 16 लाखों का था ये। तो चलो इसे यूज करने का टाइम भी आखिरकार आ ही चुका है दिया की शादी में, इससे पहले हम इसे आज ट्राई कर रहे हैं। अरे एक चीज लेके आई हूँ दीवान से, देखो क्या कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे दीवांशु, मैं बताया था ना जो लड़की दीवांशु से शादी करेगी सब काम करता है वो, उस शायद पे वो कर रहा था ये काम तुम आसान कर रहे हो टमाटर काटने का। और अभी क्या कर रहा है ये भाई, हमने हाथ से काट रखे हैं छुप पतले सही में। हाँ वही तो, मैं सही में हाथ से काट रहे हो तो ऐसे ही रख देता दुकान में, बहुत साफ काटता हूँ। और देखो अभी ये रात की सब्जी के लिए कर रहा है, ये प्याज टमाटर काट रहा है ये, और दिया प्याज लेकर के आई है। हाय मैं ट्राइपॉड कब आ रहा है ये ब्लॉग, इसको मैं भी डालूंगा ना, मैं भी हमारा ये ब्लॉग आएगा कल। किसकी वीडियो, वीडियो के साथ में था मेरे उसमें, आज ही की तो है यही तो है और से कोई नहीं ली और है, पर यार मैं नहीं डाल रही उनको, अब पुरानी हो गई हो। हाँ डिलीट कर देना ये वाली, लेने मुझे फिर डिलीट कर देना। और अभी बनाएगा दोस्तों दिव्यांशु ना अपना, उधर दिव्यांशु थोड़ा दिव्यांशु अपना रोटी बनाएगा, मैं उनको उसकी वीडियो बनाऊंगी दिखाऊंगी आपको ठीक है, ट्राइपॉड में लगा करें। तो फिर रात काफ़ी हो चुकी है, चलो फिर बदलते हैं ऊपर, वैसे कबाड़ किया हुआ हमने। दोस्तों यहाँ पे ना हम शॉप मतलब पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको पता है दिन से ये चल रहा है, और ये नाराज खड़े हो रखे हैं और ये काम करना यार, सबसे ज्यादा काम तो ये कर रहा है। अरे मेरी पूरा तुरी है।